आज है 26 जनवरी, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज हम लोग सुबह सुबह घूमने के लिए आ चुके हैं नंदी हिल्स। बाइक उधर है और यहाँ देख सकते हैं कितना सारा भीड़ है और कितने सारे लोग आए हैं। और हम लोग सनराइज देखने के लिए आए थे, लेकिन क्या क्या बोलते हैं ना, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। एक कुछ बताओ इसके बारे में काफी। अरे यार, ये हम लोग नंदी हिल्स का यहाँ पे कार पार्किंग में है और हमारी भाभी और हमारी ललन भाई तो उमदा हुए हैं कि वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। देखो हम लोग आके यहाँ पे वेट कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत ठंडा है, लेकिन सुबह सुबह आके 4 बजे उठ के आने का प्लान था, लेकिन 4 बजे से हम लोग लेट हो गए। कम से कम 4:30 बजे स्टार्ट किए। और ये नंदी हिल्स मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेस है, तो इस साल 2024 में ये पहली बार आ रहा हूँ और आगे भी मौका मिलेगा तो और आएंगे, ज़रूर आएंगे। और हमारा फ्रेंड्स लोग आ रहे हैं तो नंदी हिल से बोलते हैं टीपू सुल्तान का समर पैलेस करके गूगल में ऐसा इन्फॉर्मेशन है। एग्जैक्टली क्या है, कोई बोलते सच्चे, कोई बोलते गलत है, लेकिन हो सकता है कोई राजा, पहले का राजा महाराजा लोग गर्मी के टाइम पे यहाँ पे आ रहे होंगे, इसलिए थोड़ा बहुत डिज़ाइन वगैरह जो है यहाँ पे तो उस तरह किया है। और यहाँ पे बहुत से टेम्पल्स भी है, तो टेम्पल्स भी लास्ट टाइम मैं टेम्पल में गया था तो वहाँ का पुजारी जी जो था वो बता रहा था कि जो विजयनगर डायनेस्टी जो था, विजयनगर जो किंगडम था, उस टाइम पे ही ये मंदिर वगैरह को बनाया गया था करके बोल रहे हैं, तो बताया था मतलब इस तरह का बताया था। तो अभी जाके देखते हैं, अभी पता नहीं जब मौका मिलेगा तो मंदिर भी जाएंगे शायद बागी लोग। और हाँ, आगे जाके दिखाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स और आगे वहाँ पे बहुत सारा क्राउड है, तो आई एम नॉट श्योर अभी कितना टाइम लगेगा हम लोग को टिकट लेने के लिए भी। तो चले बने रहिएगा और देखते हैं आगे का सही। और कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं भी, देखो अच्छा लग रहा है। तो अभी है और अभी हम सभी लोग अंदर आ चुके हैं, तो ये सब देख रहे, देखिए सभी लोग वो क्या है ना, भारत माता की जय वाले नारे लगा रहे हैं। और इधर एक और ब्लॉगर है, ये मेरे ब्लॉग में जान डाल देता है। ये क्या है गाइस, इधर क्या है गाइस? इफ यू लाइक द वीडियोस सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियोस एंड कमेंट, आई विश यू गुड सजेशन, प्लीज कमेंट। इधर क्या है ये बताओ, यहाँ तालाब है, यहाँ पे मछली है, लाग दो। तो इधर देखिए, इधर ये तालाब है और इसमें मछली है। सुनो ना, सुनो ना, अभी अपने फ्लैग को हम लोग क्या बोलते हैं ना, सत्य भाई फ्लैग लेकर के आए हैं लेकिन उसको डंडे में नहीं लगाए हैं, तो अभी हम लोग उसको डंडे में लगाएंगे, उसके बाद क्या बोलते हैं ना, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। उधर तो ठंडी पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ पे लगता है मॉर्निंग में ज्यादा आए ना, इसलिए ज्यादा ठंडी लग रही है। इधर देखा, उधर से अच्छा फोटो आ रही है, अच्छा वीडियो आ रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ, ऐसे ऐसे हिलाइए ना। हाँ, बहुत शानदार ये एकदम। बस तो जॉनसन अभी फ्लैग में डंडे लगाने के लिए वो डंडा ढूंढ रहा है, दोनों गया आराम से। वही रे भाई, ठीक है ठीक है, हो गया। अभी डंडा लगाया है लेकिन वो छोटा पड़ गया है, बेटर होगा। ये लोग प्योर हिंदुस्तानी है, एकदम फुल मजे कर रहे हैं सब लोग। माही आजा, वंदे मातरम माही। कौन फ्लैग दिखाओ, ये देखो फ्लैग में लगाए हैं डंडे, लेकिन वो छोटा पड़ रहा है इसलिए वो लगाएंगे लंबा वाला। जा तो वो हम लोगों का फ्लैग है, तो इन्होंने देखा तो बोली कि मेरे को दे दो एक फोटो क्लिक करवाने के लिए। अच्छा वो कि हम लोग लेके आए और आना भी चाहिए। ये है मेरे डियर हस्बैंड जी, जो क्या बोलते हैं, इधर देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है। हाँ चलो आ जाओ, इधर अंकल जा रहे, इधर पायल, इधर आओ पहाड़ को देख, पायल इधर।
मधुमक्खी ने काटा। कहाँ मधुमक्खी काटा? नहीं कनेक्ट नहीं हुआ जॉनसन। तो ये लोग अभी ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे हैं राष्ट्रीय गान देशभक्ति गाना बजाने के लिए। क्या कर रहे हो जॉनसन? जय जोर से बोलो वंदे मातर। मम्मी पापा बोले तो उन लोगों से एक अंकल ने तो बोलना चाहिए ना। दोस्तों यदि अगर आप पहाड़ नदी और सरोवर की कुदरती खूबसूरती देखने के शौकीन हैं तो एक बार आप नंदी हिल जरूर आएं, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट है। यहाँ आकर आपको कुदरत के खूबसूरती और शांति भरा माहौल मिलेगा। अगर आप कुछ देर चुपचाप बैठकर हवाओं से बातें करना चाहते हैं तो आप एक बार यहाँ जरूर आएं। यहाँ 600 मीटर की ऊंचाई पर एक चट्टान है जिसे टीपू सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने गूगल में पढ़ी है। और टीपू सुल्तान के राज में अपराधियों को मौत की सज़ा देने के लिए इसे यूज किया जाता था। अपराधियों को मौत की सज़ा देने के लिए यहाँ से उन्हें नीचे फेंक दिया जाता था। और एक और बात बताऊं आपको दोस्तों, वैसे तो हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह है जहां पर आप सनराइज और सनसेट देख सकते हैं, मगर आप बेंगलुरु के आसपास हैं तो नंदी हिल का सनराइज बिल्कुल मिस ना करें। मगर इस बात का भी ध्यान रखें कि यह देखने के लिए आपको 4 बजे सुबह तक आपको नंदी हिल पहुँच जाना होगा। दरअसल यहाँ सनराइज देखने वालों की रोज इतनी भीड़ होती है कि आपको टिकट लेने में ही टाइम निकल जाएगी, क्योंकि बहुत लंबी लाइनें होती है। कई लोगों का सनराइज भी मिस हो जाता है क्योंकि वो टिकट ही नहीं ले पाते हैं, जैसे हम लोगों का हो गया। हम लोगों भी मैं भी सनराइज नहीं देख पाई, बट कोई नहीं, मैं फिर से जाऊंगी। खैर आपका सनराइज मिस भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, एंट्री तो मिल ही जाएगा और अंदर में आप देख सकते हैं और एक टिकट पर आप पूरा शाम तक बिता सकते हैं। और कितना प्यारा व्यू है ये भी आप देख ही सकते हैं। अभी बज चुके हैं 10 और हम लोग मतलब पूरा घूम ही चुके हैं और माही इधर लेज खा रही है, उधर हम लोग खाना खा के आए थे। आम आने के समय में हम लोग खाए थे इडली वगैरह। तो आप थोड़ा देर और घूमेंगे और चलेंगे, पता नहीं अभी और कोई भी ना दिखा ले चला। सब लोग अलग अलग ही घूम रहे हैं, पायल और विकास अलग है, मेरे पापा अलग हैं, सत्य भाई बहुत अच्छा इंसान है, वो सभी का बेचारा फोटो ही क्लिक करते रहते हैं।